नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। टीम इंडिया ने बेहद रोमांचक मुकाबले में सीरीज के आखिरी मैच में 13 रनों से जीत दर्ज की। वनडे सीरीज के समापन के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब यहां से दोनों देशों के बीच तीन मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जानी है। वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीत दर्ज की, अब उसकी निगाहें T20I सीरीज पर होगी। वहीं टीम इंडिया ने आखिरी वनडे में जीत दर्ज कर फॉर्म में वापसी कर ली है और T20I सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को कोई मौका नहीं देना चाहेगी। ऐसे में आपके लिए इस सीरीज के शेड्यूल के बारे में जानना बेहद जरूरी है। वनडे सीरीज के बाद T20I सीरीज की शुरुआत शुक्रवार 4 दिसंबर 2020 से हो रही है। ये मुकाबला कैनबरा के मनुका ओवल में ही खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा, जो रविवार 6 दिसंबर को होगा। सीरीज का आखिरी मैच सिडनी में ही खेला जाएगा, जो मंगलवार 8 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इस तरीके से तीन मैचों की T20I सीरीज सिर्फ 5 दिनों में खत्म हो जाएगी। वनडे सीरीज की तरह T20I सीरीज भी सिर्फ 2 ही जगहों पर सारे मैच खेले जाएंगे। सीरीज के शेड्यूल के अलावा आपके लिए मुकाबलों की टाइमिंग जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के समय में काफी अंतर है। ऑस्ट्रेलियाई समय के मुताबिक T20I मैच शाम के 7:10 में शुरू होंगे, लेकिन भारतीय समय के मुताबिक ये दोपहर के 1:40 में होंगे। ऑस्ट्रेलिया में T20I सीरीज रात में खेली जाएगी, लेकिन समय के अंतर की वजह से प्रसारण दोपहर में होगा। पहला T20I मैच 4 दिसंबर को मनुका ओवल में दोपहर 1:40 में शुरू होगा। दूसरा T20I मैच 6 दिसंबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर दोपहर 1:40 में शुरू होगा। वहीं तीसरा T20I मैच 8 दिसंबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ही दोपहर 1:40 में शुरू होगा। T20I सीरीज के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेली जानी है, जिसका आगाज 17 दिसंबर से होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।